आप कैच द न्यूज बनेगा आपकी आवाज। पल पल के अपराधों से कराएंगे आपको रूबरू। नहीं होने देंगे किसी पे भी अत्याचार। हम हैं आपके साथ और देखते रहिए। उन्होंने बोला था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए? हाँ अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए दादी? हाँ हाँ अच्छे दिन आए। भाजपा ही आएगी। किस क्षेत्र से है? यही लखनऊ से। अच्छे दिन आए आप? बिल्कुल रहे। यहाँ दुकान भी लगना मुश्किल पड़ गई जी। हम लोग लाले पड़ गए यहाँ पे। इस बार तो वोट नहीं दें, वो देंगे हम किसी को नहीं दें, वो देंगे सरकार से रोष है। हाँ पूरी पूरी तरह हम नहीं सब लोग हैं। मोदी मोदी। उन्होंने जो वादे किए सारे वादे सारे नहीं हुए, कुछ तो हुए ही नहीं। हमें क्या बताओ, अल्लाह बनाने वाला हो जाने। बोल के चले जाते हैं। बोल बच्चा। बस बोल बच्चा। इस बार किसकी सरकार? क्या सरकार मोदी जो जी बोलते हैं, जिस तरीके से मच्छर कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना, उसी तरीके से मोदी सच बुलवाना असंभव है। ठोको ताली ठोको ताली। देखिए झूठ और सच तो सारे नेता बोलते हैं, लेकिन कोई अगर अपने वादे पे स्टैंड है तो मोदी है। पार होगा ना पार होगा। 2019 का चुनाव इस बार की दंगल से कम नहीं है। एक पक्ष कुछ बोलता है तो दूसरा पक्ष उसी पे वार करता है। सिद्धू विपक्ष के कार्यकर्ता सिद्धू जी ने बोला है, जिस तरीके से मच्छर को कपड़े पहनाना, हाथी को गोदी में झुलाना, उसी तरीके से मोदी से सच बुलवाना असंभव है। इसी के साथ मैं आपके साथ आई हूँ अर्चना, आपसे पूछे जनता के बीच में चल करके मैं पूछूंगी 2019 में इस बार किसकी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आइए चलते जनता के बीच, जनता से पूछते हैं इस बार कौन बनेगा प्रधानमंत्री। देखो मैडम पब्लिक की बात है, पब्लिक जिस बार चाहे गए क्षेत्र लखनऊ से 6 तारीख को यहाँ पे मतदान है। हम तो अखिलेश को बना रहे हैं। गठबंधन जी इसलिए 5 साल में क्या विकास हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ बोलते हैं गठबंधन का झंडा देश नहीं खतरा है जी। बिल्कुल सही मायने में लिए है। यहाँ दुकान भी लगना मुश्किल पड़ गई जी। हम लोग लाले पड़ गए यहाँ पे। तो इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? अखिलेश को बनाएंगे जी। मोदी जी तो कहते थे अच्छे दिन आएंगे। नहीं आएंगे अच्छे दिन, बहुत बेकार दिन आ जाएगा हम लोगों का। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं आया बिल्कुल जी। उन्होंने जितने सारे वादे किए थे वो सब बेकार उनके लिए कहना। ये तो कह रहे हैं अच्छे दिन नहीं आए। और भी कुछ लोगों से पूछेंगे। मोदी मोदी। उन्होंने जो वादे किए सारे नहीं हुए, कुछ तो हुए ही। तो इस बार सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि भाई और अच्छी जो व्यवस्था बन सके और बढ़िया बनाए। मोदी लहर में तो लोग बोल रहे मोदी लहर में मोदी जी उड़ गए, उनके कोई अच्छे दिन नहीं आए। नहीं कहने से क्या होता है, मोदी का वैसे बच्चों से चल रहा है। विपक्ष वाले तो बोलते हैं मोदी जब से आए तब से सारे गठबंधन अरे इस समय विपक्ष पार्टियां जितनी भी हैं सब गठबंधन बना के सरकार जितने खाली उम्मीद बनाए रखी है। विपक्षी कार्यकर्ता सिद्धू जी बोलते हैं, जिस तरीके से मच्छर कपड़े पहनाना, हाथी गोदी में झुलाना, उसी तरीके मोदी जी ने सच बुलवाना वो ताली ठोको। वो बोलने दीजिए, बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। सरकार तो बनेगी मोदी की। जनता क्या चाहती है? सरकार जनता यही चाहती है कि भाई ये सरकार मोदी की बने। और भी कुछ लोग हैं उनसे हम पूछेंगे। दादा इस बार नहीं मैं यानी हमें क्या बताओ, अल्लाह बनाने वाला हो जाने। आप कहाँ से? हम ये लखनऊ से हैं। क्या चाहते हैं? 5 साल में क्या विकास हुआ? हमारे चाइनीज कुछ नहीं होता, जो अल्लाह चाहता वही होता। आप ये बताइए ना कि किसकी सरकार चाहते हैं? ये सब बात पूछने से क्या जरूरत है? चलिए इनका कुछ पूछने का मतलब नहीं। इस बार किसकी सरकार? भाजपा भाजपा भाजपा। 5 साल में क्या बदलाव? बहुत से बदलाव हुए। अच्छे दिन आए? हाँ आए। जनधन योजना चाले में सारे नहीं मगर कुछ तो हुए। इस बार किसकी सरकार कौन बनेगा प्रधान? भाजपा बनेगी। किस क्षेत्र से हैं आप? हम कैसरगंज। आपके क्षेत्र 5 साल में क्या विकास? बहुत बढ़िया हुआ सब कुछ। मोदी लहर जो आई है उन्होंने बोला अच्छे दिन आएंगे, तो हाँ बिल्कुल आएगी। आपके गांव में बिल्कुल बन गई जी। शौचालय पहुँचे आपके जी? बहुत जी। LPG पहुँचे जी? बहुत जी। इस बार किसकी सरकार कौन बनेगा? मोदी सरकार। मोदी लहर में बोला गया था 2014 के चुनाव में सबके अच्छे दिन आए। अच्छे कुछ तो काम कर ही रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोले? राहुल गांधी जी के बारे में वो अच्छे हैं, लेकिन वो मिली जुली सरकार के चक्कर में ये सिंगल सरकार बनेगी। उन्होंने कहा इसमें सत्ता में अगर हमारी सरकार आएगी तो हर साल 72,000। अरे बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलते हैं, बनता कहाँ है। किसान
किसानों का ऋण माफ हो जाएगा, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। बोलने के लिए हर चीज बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। इस बार किसकी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कहाँ पता के बनेगी? किस क्षेत्र से हैं आप? गोंडा। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ 5 सालों में? अरे जो उनके इंजन शौचालय पहुँचा सड़क के? हाँ पहुँचा। किसकी सरकार? मोदी की। तो अच्छे दिन आए आपके? हाँ ठीक है। भाजपा ही आए। किस क्षेत्र से हैं? यही लखनऊ से। अच्छे दिन आए आप? बिल्कुल रहे। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, जो हुआ बेरोजगारी वही है। तो किसकी सरकार बनाएंगे? अब हमारे अकेले एक अकेला नहीं होता, एक करके कई हजार बन जाते। इस बार तो वोट नहीं दें वो देंगे हम किसी को नहीं दे वो देंगे सरकार से। हाँ पूरी तरह हम नहीं, सब लोग हैं। क्षेत्र से? लखनऊ क्षेत्र से। लखनऊ से? तो 5 सालों में क्या विकास नहीं हुआ जो आप इतना मोदी सरकार से भाजपा सरकार से? मेन मुद्दा है बेरोजगारी, और जब हमारी बेरोजगारी दूर नहीं होगी तो हम अपनी समस्याएं क्या? भाजपा जो 14 में आई तो सबका साथ सबका विकास, कोई विकास नहीं हुआ। राहुल विकास किया उन्होंने कहा हर साल 72,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। कहती तो हर गवर्नमेंट है कि 72,000 हुआ, 1 लाख हुआ, 2 लाख हुआ, हमें तो नहीं मिली आज तक नौकरी। जब चुनाव आता सही पार्टियां जनता की बात करती हैं, गरीबों की बात करती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, सब बोल के चले जाते हैं। बोल बच्चे, बस बोल बच्चे। इस बार किसकी सरकार? क्या कौन बनेगा प्रधानमंत्री? सरकार मोदी। मोदी किस क्षेत्र से है? अब हमें नहीं पता। किस क्षेत्र से हो? मोदी तरफ से हैं। आप किस गांव से हो? कहां से हो आप? कुलमिनपुरवा। क्या सुधार हुआ आपके क्षेत्र में? बहुत सुधार है। सड़कें पक्की पहुंची? हाँ। शौचालय पहुंचा, LPG पहुंचा, धन जन योजना पहुंचा, सबका साथ, सब कुछ पहुंचा, सब कुछ पहुंचा। मोदी लहर में उन्होंने बोला था कि सबके अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए? हाँ अच्छे दिन आए। अच्छे दिन आए दादी? हाँ अच्छे दिन आए। गोंडा। अरे सुधार भावा को सुधार बाकी है कुनो, सब सब कहीं ना कहीं नहीं। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अरे आए अच्छा दिन। इस बार किसकी सरकार? अरे हमारे गटा ही बैठे बोली ना पाई, कोई बात नहीं, मोदी सरकार आवाज आए। अरे सब ठीक है बिटिया। रोजगार मिला किस क्षेत्र से? मिला कि नहीं? इस बार मोदी जी की सबका साथ विकास। यस। क्या चाहते हैं? और होगा मैडम, अभी 5-6 साल तो हुए हैं। अच्छे दिन आए? हाँ मैम, अभी नहीं आए तो आएंगे। राहुल गांधी कहते हैं हर साल वो नहीं चाहिए भैया। सिद्धू जी कहते हैं कि एक जिस तरह मच्छर को कपड़े पहनाना और उसके बाद क्योंकि कोई नहीं, अरे किसी की सरकार बन जाए तो हालत खराब कर देगी। हम तो मोदी जी के साथ हैं। 5 सालों में क्या विकास हुआ? गंदगी तो साफ हो रही है। हम सीतापुर क्षेत्र से। आपके 5 सालों में क्या विकास हुआ? विकास हुआ, घर घर लेटरिनें बन गई है, गंदगी खत्म हो गई, रोडें सब साफ हो गई। अच्छे दिन आए कि नहीं आए? अच्छे दिन नहीं आए तो आ ही जाएंगे, और इससे अच्छे दिन क्या चाहिए? भाजपा सरकार बोलती है हमारी सरकार आएगी, सब भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार तो थोड़ा बहुत तो खत्म हो चुका, थोड़ा बहुत और करो, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। सरकार चाहे जिसकी बन जाए, क्योंकि जब यहाँ हमें भ्रष्टा है तो दूसरे किसको कहते हैं भ्रष्टाचार? बताओ ना मोदी जी। राहुल गांधी के बारे में क्या बोलोगे? मोदी की। इस बार किसकी? नरेंद्र मोदी। अच्छे दिन आए? बिल्कुल। क्षेत्र से? यही लखनऊ से, प्राइवेट जॉब करते हैं। जितने वादे किए थे सिद्धू जी बोलते हैं जब मोदी सरकार आई थी 364 वादे किए थे, लेकिन एक मैम मैं एक बात बताऊँ, मेरी जॉब GST लगने के बाद ही लगी है, क्योंकि GST नोटबंदी से क्या फायदा आपने? GST से फायदा ये कि मेरी जॉब लगी, क्योंकि मुझे टैली आता तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जैसे GST लगी वैसे मुझे जॉब मिली, मैं क्या करूँ, मेरे लिए तो अच्छे दिन है ना। सिद्धू जी बोलते हैं जिस तरीके से मच्छर कपड़े पहनाना, हाथी को गोद में झुलाना, उसी तरीके से मोदी सच बुलवाना असंभव है। ठोको ताली, ठोको ताली। देखिए झूठ और सच तो सारे नेता बोलते हैं, लेकिन कोई अगर अपने वादे पे स्टैंड है तो मोदी है। सिद्धू तो थाली के बैंगन है, पहले इधर तो फिर उधर चले गए, उनकी बात तो कौन यकीन करेगा? आप बताइए राहुल गांधी के बारे में क्या? जीरो। इस बार 72,000
जीरो। जीरो। किसकी सरकार? मोदी सरकार। किस क्षेत्र से है? हरदोई। क्या चाहते हैं, क्या विकास हुआ आपके? बहुत सारा विकास हुआ है हमारे यहाँ। टॉयलेट वगैरह जो लैट्रिन वगैरह वो सब स्वच्छ भारत अभियान सबका साथ सबका विकास। बहुत मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी आगे चल। अच्छे दिन आए आपके? बिल्कुल अच्छे दिन। जीएसटी नोटबंदी से क्या फायदा? बहुत फायदा है एक्चुअली ना। जीएसटी नोटबंदी से ये फायदा है ना, जो टैक्स वगैरह है ना, पहले बहुत सारे टैक्स पड़ते थे, अब एक टैक्स सिर्फ है। पहले से अपेक्षा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पहले 29% कुछ आइटमों में, आज 18% है। हम एक यूनिलीवर कंपनी से काम करते हैं जिसमें हमारी कंपनी में जीएसटी 29% लगभग था। विपक्षी कार्यकर्ता सिद्धू जी बोलते हैं पहले चौकीदार बोलते हैं जागते रहो, अब वो बोलते हैं भगाते रहो भगाते रहो। ऐसा नहीं, सिद्धू खुद ही बहुत बड़े भ्रष्ट नेता हैं जो हमारे मतलब इंडिया में रह के पाकिस्तान जा रहे हैं, वहाँ बिरयानी खा के आ रहे हैं, ये क्या बताएंगे दूसरे को, खुद बहुत बड़े चोर हैं। गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल बेकार, जीरो। डिंपल भाभी महिलाओं को एकत्र कर रही है, कह रही है कि अगर अच्छे से घर चलाना है तो मोदी को देश से भगाना है। बिल्कुल, इस बार डिंपल भी हार जाएंगी, चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितनी बिल्कुल ताकत लगा ले। डिंपल भाभी के बारे में क्या कहेंगे? डिंपल भाभी पर्सनली देखे तो ठीक है, वैसे मैं अभी लोकल लखनऊ का हूँ, पर सपा मुझे नहीं समझ में आती। उन्होंने कहा है महिलाओं से अगर अच्छे से घर चलाना है तो मोदी को भगाना है। महिलाओं के लिए जितना मोदी ने किया शायद उतना किसी ने नहीं किया है। घर का सिलेंडर देना बहुत बड़ी चीज होती है, वैसे मैंने भी अपने घर की सिलेंडर सब्सिडी छोड़ रखी है, पूरा सिलेंडर लेता हूँ। मोदी सरकार। बाराबंकी क्षेत्र। क्या विकास क्षेत्र? हमारा विकास है लैट्रिन वैटरिन सब मिली हम लोगों को। अच्छे दिन आए दिन जी। इस बार मोदी की सरकार आएगी 100%। हम कानपुर से। क्या विकास हुआ कानपुर? कानपुर में बढ़िया विकास हुआ, लेकिन देश के लिए उन्होंने बढ़िया काम किया है, और आज की डेट में कोई भी गठबंधन और कोई भी सरकार नहीं चला पाएगी। जितना मोदी जी अच्छा काम करेंगे फ्यूचर में, युवा जितना है, युवा शक्ति के लिए आगे फ्यूचर उसका बहुत ब्राइट रहेगा। आज उन्होंने जो कहा कि रोजगार और रोजगार ये नहीं मिल रहा है, जो विपक्ष वाले कह रहे हैं, आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है मोदी जी ने कहा कि सिर्फ डिपेंड होके उसके बढ़िया आदमी आगे तरक्की कर सकता है, बाकी नौकरी के ऊपर डिपेंड करके नहीं कर सकता। हर चीज में मोदी सरकार बहुत ही बढ़िया है, सबसे अच्छी मोदी। सिंपल भाभी महिलाओं को कह रही है अच्छे से घर चलाना है तो मोदी को देश से भगाना है। उनके सोचने से कहने से कुछ नहीं होता है। पर्टिकुलर अखिलेश जी ठीक है, उनकी सोच ठीक है, लेकिन बाकी उन्होंने जो ये एम बनाया मोदी को हटाना है वो बेकार है एकदम, उनके लिए उससे नहीं हो सकता। मोदी जी के सिंपल से बात, उसके अलावा कौन बनेगा ये तो 23 मई को पता चलेगा। आप कहाँ से? मैं कानपुर से। तो 6 तारीख को लखनऊ में वोट है, तो क्या कहेंगे? ये तो आने वाले 23 नहीं तो वो तो पता चल जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं, गठबंधन है कांग्रेस है या भाजपा है? मैं तो अपना मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि मैं नोटा पे देता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। ये नोटा पे देते हैं, इनको पसंद नहीं है। सरकार एनडीए की आएगी, बीजेपी की आएगी, सब लोग यही चाह रहे हैं, यही होगा। अभी विपक्षी वाले तो बोलते हैं चौकीदार कैबो वाले बोलता था जागते रहो, अब तो भगाते रहो। देखिए मैं एक चीज बता दूं, सारे विचारधारा जितनी भी अपोजिट वाले हैं, कांग्रेस सपा बसपा या वामपंथी, आपस में कभी नहीं बनी, लेकिन क्यों सब एक साथ हो गए एक आदमी को हाने के लिए? तो कुछ तो बात है उस आदमी में, जो सबको जितने भी अवसरवादी गठबंधन है, वामपंथी और कांग्रेसी एक मंच पर है, सपा पत्नी लड़ रही है, सपा से पति लड़ रहा है वहां पे कांग्रेस से, और एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोग जो एक आदमी को उठाना चाह रहे हैं, जिनका आपस में कभी नहीं बना, अपने अपने राज्य में इनकी लड़ाई है, कांग्रेस और तृणमूल की लड़ाई है, कहीं कहीं जनता दल सेकुलर की कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर सब एक हो जा रहे हैं। वामपंथी साथ में आ जाए, सीताराम येचुरी और राहुल गांधी एक स्टेज पर है, दिग्विजय सिंह, तो इसका मतलब यही कुछ तो बात है इस आदमी में, किसी को खाने नहीं दे रहा है ना, इसीलिए सब उसे हटाना चाह रहे हैं। गठबंधन के बारे में देखिए, ये एक पूरा अवसरवादी गठबंधन है, आप लोग मीडिया से है, एक अनुरोध है कि मायावती जी के जो पिछले स्टेटमेंट है मुलायम जी के, और मुलायम सिंह के जो मायावती के जो पुराने स्टेटमेंट्स है, एक बार टीवी पर चला दीजिए साहब, आपने एक दूसरे के बारे में ये कहा है कभी? देखिए अब उनका गठबंधन कहा, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, 23 तारीख को देखेगा जनमत सब सामने आ जाएगा। और राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी देखिए, उम्र बिताने से कोई सीनियर नहीं होता है, वो 50 साल के हैं, लेकिन आज भी वो राहुल बाबा बने हुए हैं, उनके अंदर राजनैतिक परिपक्वता का पूर्णतया अभाव है। वो एक कॉकस से घिरे हुए, जैसे कभी उनके पिता घिरे होते थे, उनके पिता एक दून वैली स्टूडेंट्स की एक ग्रुप होता था, अगर आप यहाँ पे किसी को नहीं याद होगा, हम लोग भी यंग हैं, उस समय भी
राजीव गांधी साहब जो थे वो एक ग्रुप के साथ घिरे रहते थे, जो वो कहते थे वही करते थे, सेम वही राहुल गांधी साहब के साथ हो रहा है। एक इनके अगल बगल, इनके मैं चमचा वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगा, इनके कुछ लोग हैं जैसा वो एडवाइस करते हैं वैसा वो करते हैं, इनके पास अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है और इसलिए मजबूरी में उन्होंने अपनी बहन को उतारा है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। विपक्षी के कार्यकर्ता सिद्धू जी कहते हैं जिस तरीके मच्छरों को कपड़े पहनाना, हाथी गोदी में झुलाना, उसी तरह मोदी जी से सच उगलवाना संभव है। देखिए विपक्षी कुछ भी कहें, ठीक है, क्षमा चाहूंगा, मेरी बस आ गई है। मेरे हिसाब से तो बीजेपी इस क्षेत्र से। कौन? हम फरुखाबाद। क्या पास? मेरे क्षेत्र में तो ज्यादातर कोई उधार किसी सरकार ने कुछ नहीं किया है। आप युवा हो? हाँ। तो नहीं, अभी मैं नहीं, अगली। तो आप क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से बीजेपी सही भी कर रही है कुछ हिसाब, कुछ क्षेत्रों में तो बीजेपी की सहायता लेनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब बातें कर सकते हैं वो लोग। और भी कुछ लोगों से पूछेंगे, अम्मा किसकी सरकार, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कौन से? कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। किस क्षेत्र से हैं? हम फतेहपुर क्षेत्र से हैं। अच्छे दिन आए? विकास तो कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन आए? हाँ अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आए। शौचालय बना? शौचालय हमारे यहाँ नहीं बना, और सबको बना। चुनाव आते ही जनता की बातें होती हैं, गरीबों की बातें होती हैं, चुनाव के बाद सारी बातें गुल हो जाती हैं, ऐसा बोला जनता ने। हम आए थे जनता के और जनता से पूछा, आपने देखा और हमने सुना। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत चाहूंगी, कल मैं फिर मिलूंगी किसी और जगह किसी और समय, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।